तो अभी शाम के बज रहे हैं 7 और आज जो है मेरे घर आलू है वो फ्राई करे हुए, और इधर रखी है चाय। और अवनी जो है आज अपना होमवर्क कर रही है, पता नहीं क्या है। कल तो अवनी आपका स्कूल खुलेगा ना, क्यों मम्मी कहीं ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन? तो अब तो कल तो स्कूल खुल जाएगा ना। है तो ये अपना बना रही है अपनी झंडा। नहीं वो एक ड्राइंग में देखा था। अच्छा अच्छा हाँ, तो बनाओ, पूरा फिट करो, ठीक है ना? बनाओ बनाओ बनाओ। तो अभी जो है आज खाते हैं, देखते हैं कैसे क्या है। डैडी अच्छा मुझे भी बनेगा। खिला दो। ठंडा है, ज्यादा गर्म नहीं है। तो हमें जो है चाय और आलू जो है बहुत अच्छे लगते हैं, सूखे बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं ना। अच्छे बने हो। उड़नी उड़ के नाचे नाच रहे हैं। उधर देखिएगा गायब। वे बहुत अच्छे लगते हैं। और डैडी इसके साथ चाय है ना, ये है चाय। और गाइस मैं ये अपना पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। जब कंप्लीट हो जाएगा गाइस तो मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसे कर रहा है क्या कर रहे हो? ऐसे हवा खा रहा है। कल तो स्कूल का खुलेगा नहीं, परसों खुलेगा ना? इनका खुलेगा, है इनका खुलेगा तो क्यों खुलेगा? मेरे तो बन ले, मैं तो अपने फ्रेंड के साथ मिलूंगी, गेम पीरियड में जाऊंगी। अब तुम यही पतंग उड़ाना अपनी। तो है मेरी एक दो पतंग ले रही आपने, दो पतंग ही आज काफी है। आज हमें जाने कितने दिनों के बाद में पतंग उड़ाई। क्या क्या हुआ था, हम छत पे बैठे हुए थे। आज मैं ज़्यादा ब्लॉग वीडियो बनाया नहीं तो आपको बता रहे कहानी। तो पतंग अचानक जो है उड़ के मेरे पास आ गई कहीं से कट के। तो हमने पतंग जो है उठाई और खींच ली, उस पर काफ़ी मतलब डोर थी। और उसके बाद हमने उड़ाई पतंग, दो पतंग उड़ रही थी ऊपर आसमान में, दोनों हमने काट दिया। बच्चे इतना खुश हुए थे, बात मज़ा आ गया यार। कितने सालों के बाद हमने जो है पतंग आज उड़ाई, हमने आज मतलब काटी पतंग। सुनो तो पापा, आपने हफ्ते भर से और वो भी रखी मस्त पतंग थी कटी। और फिर हाँ, मेरी पतंग पता क्या हुआ, मेरी काटी की जी नहीं, जो कन्ने होते नहीं वो टूट गए, गोल हो गया, कन्ने गोल, कन्ने गोल हो गए। गोल और कन्ने बांधे किन्ने थे? इनके फ्रेंड भैया, इनके वो आयुष भैया ने, आयुष भैया ने जो है कन्ने बांधे थे। आवाज इतना मामला टेंशन आई हो गया था समय सुबह। हाँ तो बनाओ, पहले पूरा फिट करो पहले। नहीं पूछ रही हूँ ना, उसमें इरेज नहीं करना है, इरेज पहले उसको बनाओ, पहले उसके बना के उसके बाद इरेज कर देंगे। आज सुबह उठे तो इनकी मम्मी जो है रो रही थी अबनी की। 5 बजे रो रही थी, पता क्यों? और वही रुको वही रुको वही रुको इधर लाओ। और बथुआ की रोटी बनी आज हमारे घर। बथुआ की रोटी नहीं, बथुआ की कचौड़ी। कचौड़ी नहीं रोटी, खा के ये ना गिरा देना चले। तो हम बता रहे थे आज 5 बजे जो है इनकी मम्मी रो रही थी, उसमें क्या होता है उनकी दाढ़ में दर्द हो रहा था बहुत तेज। तो आज जो है पूरी दाढ़ी में उखड़वा दी, पूरी निकलवा दी। ना ही हमने उसका फोटो लिया और ना ही कुछ, मतलब जो है कि गोली दवाई लेके आया, खैर ठीक है हल्के से। डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, वो अपने घर पे नहा रहे थे, वो भी फटाफट आ गए, बोले चलो भाई आते हैं, हमने आ जाओ। तो वही दाढ़ा रोक भाई, थोड़ा हमारा टेंशन था इसलिए हम कहें पता नहीं क्या यार ऐसा ना हो। वही खाना बनाने वाली सबके बच्चे भूखे रह जाए, जो खड़े यहाँ पहलवान।
फिर जो है शारदा दीदी को फ़ोन किया गया, तब बेचारी वो आई तो उसने खैर पराठे वराठे बना दिए। तब तक हम तो निकल गए थे मंडी, हम चलो देखेंगे यार जो भी होगा जो है, इसलिए जो है ज़्यादा हमने आज बात भी नहीं करी। सो देखो दिखाओ जरा दाल, ये आओ नीचे करो, खोपली दाल भैया। तुम्हें ज्यादा ही मजा आ रहा ना, अच्छा उसको खूब मजा आ रहा, दाल उनकी मम्मी निकल गई यार। मजा नहीं आ रहा, का अगर दर्द होता ना तो भाई साहब ये समझ लो कि खाना पीना तक जो है दुश्वार रहता है। क्यों ना सही है, देखो जैसे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े नेता हैं भाई जी। और क्या है नहीं, वर्ल्ड के नहीं कम से कम घर के तो हैं। तो क्या हुआ, जो घर का रहता वही वर्ल्ड का रहता होता है, जब घर में नहीं चलेगी तो बाहर क्या चलेगी। अच्छा बनाओ, ये तो हकीकत है, जितना पढ़ेगा वो उतना ही दहाड़ेगा। क्यों अम्मी ना, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो हक तुम्हें पता ही नहीं होगा हमारा हक क्या है। मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए बच्चों को, जितना पढ़ोगे उतना दहाड़ोगे। देखो चाय तो ले जाके थोड़ी जाओ, चाय ले आओ। आज लेटे लेटे बिस्तर पर हर चीज आ रही भाई, मजा आ रहा है खाना खाते। अपनी अपना होमवर्क कर रही है, अपने लेटे हुए आराम से चांद दौड़ रहा है इधर उधर, खाना ला रहा है और बस इंजॉय चल रहा है। तो फिर से मेरी आ गई चाय। क्यों चाय, तुम चाय क्यों ज्यादा पीते हो अक्षांत, क्यों चाय पीते हो, काले हो जाओगे चाय पीने से। हम तो हैं काले भाई, हम तो हैं काले यार, मना कर रहे हैं मानने का। पाउडर से गोरे थोड़ी ना होते हैं, मतलब हम तो चाय पीते ही, हम तो काले हैं यार, तुम क्यों चाय पीते हो, तुम भी काले हो जाओगे। अभी तो बिल्कुल चाय पीछे नहीं, बिल्कुल नहीं चाय पीते हैं, तुमने सब पी डाली चाय, मना करी डॉक्टर ने तुम्हें, समझे चाय ना पीना तुम, समझे नहीं समझी, इसमें डालो। एक तरीका क्या हो, चाय जो है मना करी इनकी मम्मी को, है ट्रायंगल वाली छोटी रोटी बनाई है। अच्छा मेरे लिए चलो बना रही है मम्मी। तो अपनी जो है आखिर बना के तैयारी कर दिया है झंडा, ये सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे चारों तरफ झंडा फहरा रहे हैं। क्यों बढ़िया बनाया, कटोरी इन्होंने प्रकार ले लिया, और कटोरी जो है पूरा गोला बना दिया ये वाला। हम लोग अभी जो है खाना खा ही रहे हैं बैठे हुए। बिट्टू खाना खाओ, जा किधर, उधर से आओ, उधर से आओ, उधर से आओ, उधर से आओ, उधर से आओ। बच्चों के संग खाना खा के जो है ना ज्यादा रोटी खा लो यार, मतलब पेट भर जाता है। पापा जी अच्छे बनाए ना। तो खाना पीना तो भाई जो है कि हम लोगों ने खा लिया अपना है, अब बज रहे हैं 7:30। तो अपनी की एक दिवाली ड्राइंग बनाई, देखो अपनी ने, बस खाली थोड़ा ये करना है इसका। देखे ड्राइंग कितनी बनाई तुमने, अच्छा एक ये बनाया इनने गोला और एक ये ड्राइंग बनाई, ठीक। और अबनी की ये सब बनाती हो तुम, ये तुम क्या बना रहे हो अक्षांश। पापा जी ये ना ये मुस्लिम का झंडा, ये हम इंडिया का और ये क्रिसमस। चलो एक पाकिस्तान का बना दिया, एक इंडिया बना दिया, ये वाला इनका है, ये पाकिस्तान का, ये इंडिया का, ठीक। तो अच्छा है भाई ड्राइंग, बताना भाई आप लोग कैसी क्या इनकी ड्राइंग बनी अपनी की। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और कमेंट में मुझे बताना ड्राइंग कैसी बनी अपनी की। तो वीडियो यही ख़त्म करते हैं अपना, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।